वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। अरे बहुत रोशनी आ रही है। ओके, बाहर बहुत धूप हो गई क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे हैं। और अपने पास में फिलहाल एक पार्सल है। आज मैंने एक डिजिटल वॉच ऑर्डर की है जो अभी डिलीवर हो गई है। इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर बाकी का दिन चालू करेंगे। तो चलो अपन इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले ये पार्सल है और इसको मैं एक्चुअली थोड़ा बहुत कट कर चुका हूँ साइड से। इसको ओपन कर लिया है मैंने ज़रा सा। ये अपन ने ऑर्डर किया है डिजिटल वॉच। अच्छा, ये इसका प्राइस यहाँ पे अगर MRP विजिबल है तो ये दिखाई दे रहा है 5,999, मतलब 6,000 की है ऑलमोस्ट। ये फायर बोल्ट और निंजा 2 मैक्स, विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है भाई साहब। और इसको पहले अपन ओपन करते हैं। ये मेरे को डील ऑफ द डे में मिला है। इसकी प्राइस वैसे ऑनलाइन दिखाई दे रही थी 2,500 तक के, 2,499, बट ये मुझे डील ऑफ द डे में अमेजोन से 1,899 में मिला है। अरे यार, इन्होंने ये निकालने में जो मज़ा है वो वाला इस वॉच में सच नहीं है, क्योंकि ये पैकेज में ठीक से था नहीं। इस वॉच को भी अपन निकाल के देखते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है वॉच का और चीज़ें बहुत सही लग रही है। स्मूथ है, बेल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसको अपन ऑन करके देखते हैं। आई होप यही ऑन का बटन होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम डिजिटल वॉच मंगवाई है एंड आई रियली डोंट नो कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये ऑन नहीं हो रही, शायद इसको चार्जिंग की ज़रूरत है या कुछ और होगा। हाथ पे पहनने से खुलती नहीं। अच्छा, मैं इसको चार्जिंग करता हूँ पहले, उसके बाद में वापस से इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपन देख लेते हैं बॉक्स में क्या है। और ओके, ये चार्जिंग कॉर्ड दिया हुआ है इन्होंने बॉक्स में और एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। यूज़र मैनुअल में इन्होंने क्या दिया हुआ है? ओके, यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है बस गाने चाहिए। गाना.com की तरफ से कोई वाउचर कार्ड है चाहिए। थ्री मंथ्स ऑफ म्यूज़िक, एक हो गया। यहाँ पे भैया विराट कोहली है और ब्रांड न्यू सरप्राइज बुक माई शो वॉच ऑनलाइन, इसका कोई कूपन वाउचर है। फ्री बुक माई शो वाउचर दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर से विराट कोहली प्रोफेशनल कपड़ों में फायर बोल्ट ईयर ऑनर रजिस्टर फॉर वारंटी। अच्छा, ये वारंटी कार्ड दिया हुआ है। और फिर से विराट कोहली कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वन द एक्सक्लूसिव बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप। ठीक है सर, इसको भी करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हटाते हैं, वॉच को उठाएंगे, इसको पहले चार्ज करके देखता हूँ और मैं फिर कनेक्ट करके देखता हूँ कि चालू होती थी या नहीं। यार इसको रिटर्न करना पड़ेगा क्या है? ठीक। अच्छा, मैंने अभी इसको निकाल लिया, इसके बेल्ट वगैरह निकाल लिए मैंने साइड में और इसका वायर मैंने अभी निकाला। बट ये साला बहुत सही है आजकल का चार्जिंग। ये इसको दिया हुआ है 2 बस डॉट्स यहाँ पे दिए हुए और ये वाला इसका चार्जिंग पॉइंट। इस पर मैगनेट अटैच किया हुआ है, बस मुझे इसको चार्जर पर लगाना है और उसको चार्ज करना है। अमेजिंग। ये मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है और लेट्स सी अभी इसका चार्जिंग चालू कर देते हैं। 2-5 मिनट के लिए चार्जिंग चालू हुई। ओके, लाइट डिस्प्ले हो रही है, चार्जिंग चालू हो गया है। कूल, नाइस। पानी थोड़ी चालू हुई या चालू करनी पड़ेगी? अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एक बार चार्ज हो जाने देते हैं फिर वापस चेक करेंगे। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था। चेक कर लेते हैं कि ये ऑन ऊपर है। इधर भी विराट कोहली सर, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको अभी अपन थोड़ा बहुत चला के देखते हैं। ओके, बढ़िया। क्या है इसमें? फ्लैश लाइट कहाँ से चालू करेंगे? अच्छा, यही होता है फ्लैश लाइट। ओके, सॉरी सर। अच्छा, इसको बैक। ओके, ब्रीद प्लेयर, कैमरा दिया हुआ है, मेजर हार्ट रेट, एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है, स्लीप, स्पोर्ट्स। चलो, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये सब स्टेप्स, कैलोरीज होगा। एक्सक्यूज मी सर। ओके, अरे नाइस। चलो भाई, वॉइस का ये क्या कहते हैं, वॉच का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। ये इफेक्ट्स पसंद आ गया। चलो, इट्स रियली नाइस वॉच। और फायर बोल्ट का है बोट या किसी और का नहीं, विराट कोहली सर इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। एंड रियली नाइस वॉच, अच्छे खासे डील में मिल गई। 1,899 में इसका अपने को प्राइसिंग मिल गया
इतने सारी चीज़ें मिल गई इसके साथ में, एंड आई हैप्पी कस्टमर फॉर दिस, दिस इज़ रियली नाइस, बहुत बढ़िया। लुक वाइज बहुत बढ़िया लग रही है बॉस घड़ी, और सबसे मेन चीज़ मतलब मैं बताना रह गया कि बैटरी लाइफ अमेजिंग। विराट कोहली हर जगह स्पॉन्सर क्यों है या ब्रांड एम्बेसडर है इस चीज़ का, बिकॉज इस चीज़ में 20 तरह के स्पोर्ट्स मोड इन लोगों ने दिए हुए, 20 माने रनिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन स्पोर्ट्स के लिए, बास्केटबॉल, क्रिकेट वगैरह, इस सब का भी अलग से दिया हुआ है इन लोगों ने। और फीचर्स बहुत सारे हैं यार, हर चीज़ का नोटिफिकेशन अवेलेबल है। ये आपका आपके कैमरा का रिमोट कंट्रोल बन सकता है, आप यहाँ से अपने कैमरा को ऑपरेट करो, यहाँ से यू कैन क्लिक द पिक्चर्स एंड ऑल। भाई 1899 में दिस प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग, हाथ में भी बहुत सही लग रहा है, गो फॉर इट गाइज। ऑफलाइन एग्जामिनेशन का डर, अब तक के लिए इन लोगों ने सब नए ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए और अब इन लोगों को मेल आ गया ऑफलाइन एग्जामिनेशन का, तो 2 साल में पहली बार आई थिंक है ना बुक्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, लिटरली बुक्स खरीदने के लिए जा रहे हैं 2 महीने में, दो साल में पहली बार। हाउस खुद को भी लग रहा है, मैं तो ऑलमोस्ट 3-4 साल बाद शायद किताबों की दुकान में जाने वाला हूँ। अपनी जो पहली गाड़ी थी इसको यहाँ पे ज़्यादा कुछ फीचर नहीं, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी चालू करने का, डिक्की भी खोलनी है तो यहाँ से खोलनी पड़ती थी। इसका जो गाड़ी का नया दिया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ से है। अगर मुझे यहाँ से लॉक करना है तो यहीं पे लॉक का है, ओपन करना है ऑन ऑफ, और यहीं से फ्यूल टैंक का भी है, यहीं से सीट का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को होता ऐसा है ना कि हमेशा कि अगर मैंने यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है, मैं चाबी तो निकाल लेता हूँ क्योंकि पुरानी गाड़ी की आदत है, यहाँ लगाने जाता हूँ, फिर याद आता है कि यार यहाँ पे वापस यहाँ जाओ, यहाँ से ये ओपन करो, इधर से सीट के लिए प्रेस करो, फिर डिक्की ओपन होगी। ऑफलाइन डिक्लेयर होने की वजह से इतनी सारी किताबों का एग्जाम फिर देना है और उनको ऑन स्पॉट जाके देना है, तो सीरियसनेस अब भी आ रही है इन लोगों में पढ़ाई के लिए। बात हम लोग सब्जी लेने के लिए भी रुक गए थे, ये है इसके बुक्स, क्योंकि इन्होंने जहाँ से पहले खरीदे थे वहाँ पे कॉल किया था, वहाँ पे भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं, तो जो प्राइस में मिला उसमें थोड़ा बहुत 50-100 ऊपर नीचे करके खरीद लिए। सब्जी हम लोग ने ले ली, अभी घर के लिए निकल रहे। इसने मुझे रील शेयर किया है जिसमें ये बंदी कहती है कि अपेरेंटली गाइज कैन डू दिस, सिर्फ लड़कियां कर सकती है ये, एंड या और ये भी बवासीर नहीं कर पा रहा है पागल, बट चैलेंज एक्सेप्टेड। आई कैन डू दिस, हम लोग नीचे आए हुए, ये गाड़ी की प्रैक्टिस चल रही है और चल रही है बस। रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं, हम लोग मंदिर में गए थे, आज अक्षय का उपवास होता है और वो खाना वगैरह तो कुछ खाता है नहीं, तो शाम के टाइम पे ऐसे ही आया हुआ था थोड़ी देर, तो मैं भी उसके साथ में चला गया कि चलते यार बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि मन होता है लेकिन जा नहीं पाता हूँ, और कभी कभी रेयरली मौका मिलता है तो मैं निकल लेता हूँ, अच्छा लगता है मुझे भी जाने के लिए लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाती वो चीज़ें। उसके बाद में हम लोग थोड़ी देर बैठे हुए थे और थोड़ी बहुत बातें चली, चलो उसी के साथ में मतलब हो गया ऑलमोस्ट दिन ख़त्म, ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। फिर से चालू किया है, कंसिस्टेंट होने की कोशिश करता हूँ और करता हूँ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय।